अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां न्यायिक कर्मचारियों कल्याण सहकारी समिति की बैठक हुई। आयोजित बैठक में देवेंद्र नाइक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा एवं रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट रीवा अध्यक्ष गुणाग पाठक व कई सदस्य उपस्थित हुए। बताया गया है कि न्यायिक कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर से आवास योजना प्राप्त करना व अन्य समस्या का निराकरण करना, आइए सुनते हैं समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। बताएं सर, ये कौन सी बैठक चली हुई? ये मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी शाख एवं कल्याण सहकारी समिति रीवा के वार्षिक आम सभा की बैठक है। इसमें क्या क्या निर्णय, क्या क्या बजट? इसमें आम सभा में 11 सूत्रीय एजेंडे रखे गए हैं और इन एजेंडों के संबंध में चर्चा सुझाव लिया जाकर निर्णय लिया गया है। कुछ विशेष इसमें? विशेष वर्ष 2021-22 में आय व्यय के संबंध में जानकारी दी गई है। प्रस्तावित वर्ष 2022-23 के लिए संभावित रूपरेखा तैयार की गई है कि हमें क्या करना है आगे समिति के उत्थान के लिए। मुख्य रूप से यही थे उद्देश्य। समिति के उद्देश्य जो हैं, हमारी संस्था का उद्देश्य अपने सदस्यों में मितव्ययिता, आत्मनिर्भरता एवं सहयोग की भावना को जागृत कर उनकी आर्थिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक उन्नति करने का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था निम्नलिखित काम करती है। पहला है सदस्यों में बचत की भावना उत्पन्न करना, बचत की राशि को सुरक्षित योजना में लगाना, सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित ब्याज दर पर ऋण देने की व्यवस्था करना, सदस्यों के लिए अन्य आर्थिक सुविधाओं जैसे गृह उपयोगी सामग्री एवं उपभोक्ता वस्तुओं को उचित कीमत पर से उपलब्ध कराकर प्रदान करना, शासन की ओर से ऋण लेन देन के लिए अभिकर्ता एजेंट का कार्य करना, अन्य ऐसे कार्य करना जो उपभोक्ता उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना आवश्यक हो तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु भी कार्य करना, सदस्यों से प्रतिमाह आवर्ती राशि जमा कराना, न्यायिक कर्मचारियों के हितार्थ न्यायालय परिसर में साइकिल स्टैंड, जलपान गृह, फोटो कापी मशीन का संचालन करना, न्यायिक कर्मचारियों के हितार्थ जिला एवं तहसील मुख्यालयों में न्यायिक कर्मचारियों के लिए कार्य करना एवं न्यायिक कर्मचारियों के लिए समिति के द्वारा उनके आवास हेतु कलेक्टर से जमीन प्राप्त करना एवं आवास की सुविधा प्रदान करना, ATM कंप्यूटर की सुविधा समय समय पर कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का कार्य करना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जिला तहसील मुख्यालयों में पदस्थ न्यायिक कर्मचारियों के हितार्थ कार्य करना एवं समय समय पर तहसील मुख्यालयों में समिति की शाखा खोलकर कर्मचारियों के हितों की पूर्ति करना, ये समिति का उद्देश्य। क्या नाम है पद? गोकर्ण पाठक। पद अध्यक्ष।